दोस्तों स्वागत है आप सभी का बीएससी एंड एनएससी अड्डा में। आइए हम लोग पहले एनालिसिस कर लेते हैं आज के अपने इंट्राडे स्टॉक का और फिर उसके बाद देखेंगे कि कल के लिए किस स्टॉक को चुना है। आज का हमारा स्टॉक था प्रेस्टीज का, इसे बाय करना था 463 पर, शॉर्ट सेल करना था 455 पर। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यह स्टॉक ओपन हुआ था 468 पर और उसके के बाद इस स्टॉक ने हाई मारा 475.6 का। तो दोस्तों इस तरह से इस स्टॉक में आपको बाय करने का मौका नहीं मिला होगा क्योंकि यह स्टॉक ओपन ही हुआ था अपने टारगेट 1 के ऊपर। लेकिन दोस्तों इस स्टॉक में आपको आज शॉर्ट सेल करने का भी मौका नहीं मिला होगा क्योंकि इस स्टॉक ने आज लो नहीं मारा है अपने 463.8 का। तो इस तरह से आज के इस स्टॉक में नो ट्रेड, यानी कि कोई भी ट्रेड नहीं बनी आज हमारी। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि कल हम अपनी इंट्राडे की ट्रेड किस स्टॉक में डाल सकते हैं। दोस्तों कल का स्टॉक चुना है टाटा मोटर्स का। आप चाहें तो अपनी इंट्राडे की ट्रेड भी इस स्टॉक में डाल सकते हैं विद प्रॉपर टारगेट एंड द स्टॉप लॉस के साथ। आप इसे बाय कर सकते हैं 422 पर, पहला टारगेट 425, दूसरा टारगेट 428। अगर यही नीचे गिरता है तो आप इसे शॉर्ट सेल कर सकते हैं 415 के नीचे, पहला टारगेट 411 का, दूसरा टारगेट 408 का। और दोस्तों इस स्टॉक में स्टॉप लॉस रहेगा आपका 4 पॉइंट का। तो कल की हमारी इंट्राडे की ट्रेड टाटा मोटर्स बाय 422 शॉर्ट सेल 415 एंड द स्टॉप लॉस इज 4 पॉइंट। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से ट्रेड डालिए, इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स को जरूर फॉलो करिए। मैं आप सभी को फिर से एक बार इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स को या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को, जो भी आप समझिए, उसको याद दिला देता हूँ। नंबर 1, मिनिमम प्रॉफिट सबसे पहले बुक करिए। नंबर 2, स्टॉप लॉस को हमेशा लगाइए। नंबर 3, ओवर ट्रेडिंग मत करिए। एक ट्रेड या दो ट्रेड जो भी आप डेली करते हैं बस उतना ही करिए, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको एक्सेप्ट करिए। और अगर आपके टारगेट्स नहीं बन रहे, यानी कि आपको एंट्री करने का मौका नहीं मिलता है, तो दोस्तों ज़बरदस्ती एंट्री मत लीजिए। अगर कोई स्टॉक छूट जाता है तो जाने दीजिए, नेक्स्ट डे ट्रेड डालिएगा। ऐसी गलती मत करिए कि आपने प्रॉपर आपको ब्रेकआउट नहीं मिला या फिर वहाँ पे प्रॉपर कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं दिया और आपने ज़बरदस्ती एंट्री ले ली, यानी कि जो आपको लेवल्स दिए गए हैं उनका ब्रेकआउट मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के बाद उस स्टॉक में आप एंट्री लीजिए तो वहाँ पर प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें। और अगर कोई अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और नेक्स्ट डे से हमारे साथ ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कल आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।